हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अंकिता सिंह, इन लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं सीटेट जूनियर लेवल के लिए, ठीक है, जिसमें हमने आपकी 3 क्लास को कंप्लीट कर दिया है और आज हमारी 4th क्लास है, फोर्थ क्लास है, ठीक है, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण कि किस बेस पे। अब तक तो हमने ये फाइंड आउट किया कि कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, मींस कौन जीवित है और कौन निर्जीव है, ठीक है। अब जो जो जीवित हैं हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है, जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण पहले जो है वो टू किंगडम सिस्टम के बेस पे किया गया, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम के बेस पे किया गया और जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया, जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया, एक जंतु में और दूसरा पादप में, ठीक है, जंतु में और पादप में। और ये जो वर्गीकरण सबसे पहले किया था वो किसने किया था, तो वो किए थे कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। टू किंगडम सिस्टम का प्रतिपादन, टू किंगडम सिस्टम में जीवधारियों को सबसे पहले किसने बांटा था, तो वो थे आपके कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों का वर्गीकरण जो है वो दो रूप में किया था, एक जंतु जगत के रूप में और दूसरा पादप जगत के रूप में, ठीक है, पादप जगत के रूप में, ठीक है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। किसने किया सबसे पहले, कैरोलस लीनियस ने किया था। कहाँ पे किया था, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था। आपसे पूछा जाता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस के द्वारा। इससे रिलेटेड और दो भी बुक है, एक आपको हमने बताया था, क्या बताइए, हिस्टोरिया एनिमालिया एंड हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें कि हिस्टोरिया एनिमालिया अरस्तु के द्वारा लिखी गई है और हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये टर्म है कि सबसे पहले जीवधारियों को कैरोलस लीनियस ने दो रूप में डिवाइड किया, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत, और कहाँ पे किया था, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था। सबसे पहले वर्गीकरण का काम कौन किया है, कैरोलस लीनियस किए हैं, इसलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ठीक है, वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, किसको बोलेंगे हम, कैरोलस लीनियस को बोलेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्गीकी का पिता कौन है, तो आप बताएंगे कैरोलस लीनियस। जीव विज्ञान का पिता कौन है, आप बताएंगे अरस्तु। जंतु विज्ञान का पिता कौन है, आप बताएंगे अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, तो आप बताएंगे थियोफ्रेस्ट, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके क्लियर है। इसके बाद क्या हुआ कि देखा गया कि कुछ ऐसे भी जीव हैं इस जगत में जो कि न तो जानवरों के जैसे हैं, एनिमल्स के जैसे हैं और न ही वो प्लांट्स के जैसे हैं। तो अब बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि उनको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो टू किंगडम सिस्टम के बाद, ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम आया थ्री किंगडम सिस्टम। क्या आया, थ्री किंगडम सिस्टम्स में अब जो हमारे जीवधारी थे उनको तीन भागों में बांट दिया गया। पहला तो आपका जंतु ही था, ठीक, दूसरा पादप जगत था, तीसरा जो जुड़ गया इसमें वो जुड़ गया प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। और ये थ्री किंगडम सिस्टम कौन दिया था, तो ये थ्री किंगडम सिस्टम दिए थे ईएच हैकल। कौन दिया था, ईएच हैकल।
कब दिए थे? 1866 में दिए थे, ठीक है। 1866 में ईएच हैकल ने जीवधारियों को तीन भागों में बांटा, जिसको हम थ्री किंगडम सिस्टम के नाम से भी जानते थे। इन्होंने बस उसी जंतु जगत और पादप जगत में एक और पार्ट जोड़ दिया, जिसको क्या नाम दिया गया? प्रोटिस्टा नाम दिया गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे जैसे लोगों ने क्या किया, लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स को स्टडी किया, उसमें ढेर सारे ऐसे जीव जंतु मिलने लगे जो कि इन तीनों की कैटेगरी में नहीं आते थे, इन तीनों की कैटेगरी में नहीं आते थे। जो लक्षण उन्होंने इन तीनों ग्रुप के बताए, उन जीव जंतुओं में उससे डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई दिए ना। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ा, और भी क्लासेस में क्लासिफाइड करना पड़ा, ठीक है। तो इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट किंगडम सिस्टम आया, वो आया फाइव किंगडम सिस्टम। क्या आया? फाइव किंगडम सिस्टम, जिसमें कि जीवधारियों को पांच भागों में बांटा गया, ठीक है, जिसमें कि जीवधारियों को पांच भागों में बांटा गया, ठीक है। और फाइव किंगडम सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताएंगे कि फाइव किंगडम सिस्टम का जो प्रतिपादन है वो आर एच वी टेकर ने, ठीक है। इंग्लिश में पूरा लिख देते हैं, आर एच क्या होगा, वी टेकर, ठीक है। इन्होंने जीवधारियों को फाइव किंगडम सिस्टम में पांच जगत में विभाजित किया। कब किया? 1969 में किया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टू किंगडम सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया, तो आप वहां पे बताएंगे कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसको बोलते हैं, तो आप वहां पे भी बताएंगे कैरोलस लिनियस को, ठीक है। सिस्टोमा नेचुरी पुस्तक का रचना किसने किया है, तो वहां पे भी आपको बताना है कैरोलस लिनियस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा कि थ्री किंगडम सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताएंगे ईएच हैकल ने 1866 में किया। इन्होंने जीवधारियों को तीन भागों में बांटा, एनिमालिया, प्लांटिया एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद आता है फाइव किंगडम सिस्टम, प्रेजेंट टाइम में यही मान्य है, ठीक है, इसी बेस्ड पे हम स्टडी करते हैं। किस बेस्ड पे? फाइव किंगडम सिस्टम के बेस पे, जिसका प्रतिपादन किसने किया है, तो जिसका प्रतिपादन आर एच विटेकर ने किया है। कब किया है? 1969 में किया है। इन्होंने जीवधारियों को पांच भागों में बांटा, नोट कर लिया आप लोग इनका नाम, आर एच विटेकर, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जंतुओं को पांच भागों में बांटा। इनका जो पहला पार्ट था वो क्या था? मोनेरा। क्या था? मोनेरा। सेकंड इन्होंने क्या कहा? प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। थर्ड को इन्होंने क्या कहा? फंजाई, जिसको हम हिंदी में कवक भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही बोलते हैं और मोनेरा को मोनेरा ही बोलते हैं। फिर फोर्थ जो इनका था वो था पादप, प्लांटी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट था वो था जंतु, एनिमालिया, ठीक है। तो इन्होंने जीवधारियों को पांच भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी एंड एनिमालिया। अब इन फाइव किंगडम जो हैं, ये इनके बारे में हम अलग अलग स्टडी करेंगे, इनके कैरेक्टर्स के बारे में हमको अलग अलग पढ़ना है। तो हम आपको कहाँ से बताएं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मोनेरा से, ठीक। देखिए, जितने भी जीवाणु आते हैं, पहले इनका एग्जांपल ही देख लीजिए, जितने भी जीवाणु हैं वो मोनेरा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। और जितने भी प्रोटोजोआ हैं, उनको किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। और फफूद और मशरूम, ठीक है, फफूद और मशरूम, ये किस में रखे गए हैं? तो ये फंजाई में रखे गए हैं। उसके बाद पादप जगत में कौन आ जाएगा? पेड़ पौधे आ जाएंगे। पादप जगत में कौन आ जाएगा?
पेड़ पौधे आ जाएंगे और इसमें जो है वो जीव जंतु आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। अब हम इन पांचों को एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनेरा को। ठीक है, मोनेरा जगत से, मोनेरा किंगडम से रिलेटेड जितने भी जीव जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं एक कोशिकीय। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सभी जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनका कि पूरा का पूरा शरीर सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बना हो, एक कोशिका से मिलके बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मीन्स इसने जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि केंद्रिका झिल्ली का, ठीक है, किस झिल्ली का? केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है, केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। मोनेरा के अंतर्गत जितने भी होते हैं उनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति कुछ में पाई जाती है कुछ में नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं। ठीक है, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, मीन्स ये अपने भोजन का निर्माण खुद से भी कर सकते हैं। कुछ इसमें परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी, अगर स्वपोषी हैं तो प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं और रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं और रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, मीन्स लाइट का प्रयोग करके भी अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं और केमिकल्स का यूज करके भी अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति आप देखेंगे कि लगभग इनमें सभी ऑर्गेनिजम्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सिर्फ कुछ ही ऐसे होंगे कि जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगा। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स नोट करिएगा कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं सभी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है किसका? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, उसके बाद इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है, कोशिका भित्ति लगभग में पाई जाती है लेकिन कुछ में नहीं भी पाई जाती है, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, मीन्स अपना भोजन खुद से भी बना सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर भी निर्भर हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, मीन्स प्रकाशीय ऊर्जा का यूज करके भी भोजन बना सकते हैं और केमिकल का भी यूज करके अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक, अब हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जो जीवाणु होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, एक कोश की जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे? मोनेरा के कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी किस में आएंगे? तो वो भी आते हैं मोनेरा में। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा है माइकोप्लाज्मा। ठीक है,
तो जितने भी जीवाणु हैं, जो नील हरित शैवाल जिनको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ये सभी किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो सेकेंड किंगडम हमारा है, हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक, सेकेंड किंगडम हमारा है प्रोटिस्टा। कौन है? प्रोटिस्टा। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक, सॉरी, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहले वो हम देखते हैं। तो प्रोटिस्टा में भी जो जीव आएंगे वो कैसे रहेंगे? एक कोशिकीय रहेंगे, मींस यूनिसेलुलर रहेंगे। इनका भी जो पूरा बॉडी होगा वो सिंगल सेल का ही बना होगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं मीन जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इनमें डेवलप्ड होंगे। ठीक है, अभी हम आगे आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पढ़ाएंगे। तो यूकैरियोट्स में इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, देखिए पीछे वाले में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती थी, लेकिन जब क्या हुआ, मोनेरा के बाद ये आगे का, ठीक है, मोनेरा के बाद का जगत है, मीन्स इसमें जो थोड़े मोनेरा से डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा गया था। मतलब ये एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, कुछ में सेल वॉल भी पाया जाता है। कुछ में सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब कुछ में बोल दिया तो मतलब कुछ में नहीं भी पाई जाती होगी। ठीक है, गमन के लिए जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, गमन के लिए इनमें क्या होता है? सीलिया होता है। गमन के लिए इनके पास कौन सा ऑर्गन होता है? तो वो होता है सीलिया होता है। इसके अलावा फ्लैजला नामक संरचना भी होती है। ठीक है, ये सीलिया या फ्लैजला से क्या करते हैं? गमन करते हैं, मतलब चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। जो हमने बताया था लोकोमोशन की सभी सजीवों में ये लक्षण होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए इनमें कौन आएगा? तो मूवमेंट के लिए इनके पास सीलिया है और फ्लैजला है। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रोटिस्टा संघ के जंतु कैसे होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, कुछ में सेल वॉल पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। गमन के लिए सीलिया होता है या फ्लैजिला होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं इसका उदाहरण, किसमें कौन कौन से जीव पाए जाएंगे। ठीक है, तो जो एक कोशिकीय शैवाल होंगे, एक कोशिकीय शैवाल, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी जो होंगे वो आएंगे। देखिए पोषण तो हमने आपको बताया ही नहीं, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, और विषमपोषी या परपोषी जिसको बोलते हैं ये वो भी हो सकते हैं। ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी, तो जितने एक कोशिकीय शैवाल हैं सब इस कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद प्रोटोजोआ का मतलब अमीबा, पैरामीशियम और यूगलीना। अमीबा, पैरामीशियम और यूगलीना, ये सभी भी किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मोडियम, ये भी कैसा है? प्रोटोजोअन से है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा, ठीक है, ये सभी कैसे हैं?
प्रोटोजोअन्स हैं। प्लाज्मोडियम जिसमें कि क्या है, मलेरिया का परजीवी है, ठीक है, मलेरिया का परजीवी है, इससे यही क्या करता है, मलेरिया रोग का कारक है, ठीक है। और मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है, तो वो होता है मादा एनोफिलीस मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, ठीक। अब हमने आपको बताया प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, एक कोष की शैवाल, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक। अब युगलीना के बारे में हम जान लेते हैं कि एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि युगलीना को जंतुओं और पादपों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, ठीक है। युगलीना को जंतु और पौधों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, ठीक है, संयोजक कड़ी कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है, युगलीना को कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो दो किंगडम हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं तीसरे किंगडम को, ठीक है। तो तीसरा किंगडम हमारा क्या था, तीसरा किंगडम हमारा था फंजाई या कवक, ठीक है। तीसरा किंगडम कौन सा है, फंजाई या कवक, तो हेडिंग डालिएगा आप फंजाई, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक, ठीक है। देखिए ये कैसे होते हैं, अब तक हमने जितने जंतु ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा वो सभी कैसे थे, वो सभी थे एक कोशिकी। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बहुकोशिकी, कैसे होते हैं, बहुकोशिकी मींस मल्टी सेलुलर। इनका जो शरीर है वो मोर देन वन सेल से, मींस ढेर सारे सेलों से मिलके बना होता है, ठीक। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक, मींस इनमें भी जो ऑर्गेनेल्स होता है वो वेल डेवलप होता है, ठीक। इनमें काइटिन की बनी, ठीक है, काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है, इनमें काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है, मीन जो फंजाई है उनमें सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। और किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना सेल वॉल पाया जाता है, ठीक। ये कैसे होते हैं, ये विषमपोषी, विषमपोषी जिसको हेटरोट्रॉप्स या परपोषी भी बोलते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। और विषमपोषी में भी इसकी किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये मृत जीवी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फंजाई जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये मृत जीवी की कैटेगरी में आते हैं। मृत जीवी का मतलब क्या, कि जो सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मृत जीवी, जो कि मरे हुए पे आश्रित होते हैं, ठीक। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, फंजाई मृत जीवी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ईस्ट, ठीक है, मशरूम आप देखे हैं, खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। कहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जहाँ पे कीचड़ टाइप का वो होता है, वहाँ पे हम कुछ स्ट्रॉ वगैरह भूसा वगैरह फेंक के पहले उसको क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। जब वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो वहाँ पे मशरूम उगाया जाता है ना। तो ये कहाँ पे उगाए जा रहे हैं, सड़े गले हुए जीव जंतुओं पेड़ पौधों पे निर्भर है, तो ये सब कैसे होते हैं, मृत जीवी होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है राइजोपस, कौन आता है, राइजोपस, ये सभी क्या है, एक तरह के फंजाई हैं, एक तरह के कवक हैं। पेनिसिलियम, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब
कवक के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। किस पे? फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था? प्लांट, पादप, जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन सा जगत है हमारा चौथा? प्लांटी, जिसको हम बोलते हैं पादप जगत। ठीक है, पहली बात तो ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब सभी जगहों पे पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगहों पे पाए जाते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। बहुकोशिकी होते हैं मीन्स इनका जो शरीर है वो ढेर सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। उसके बाद ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कैसी होती है, किसकी बनी होती है? तो इनमें पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इनमें पाई जाने वाली जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जिसको कि पर्ण हरिम बोलते हैं, पर्ण हरिम बोलते हैं, वो भी पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हमें हरी दिखाई देती हैं, बिकॉज क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का हरा वर्णक है। ठीक है, जिसकी उपस्थिति के कारण पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स पॉइंट आप लिखेंगे कि इनका जो शरीर है, इनका जो बॉडी है वो उतकों टिश्यू व अंगों का बना होता है, टिश्यू व अंगों का बना होता है। मीन्स इनके जो सभी पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना। कौन कौन से पार्ट? स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गई, ब्रांचेस हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, ये सभी इनमें क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? इनका जो पूरा बॉडी है वो उतकों एवं अंगों का बना होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये कैसे होते हैं? इसके बाद ये कैसे होते हैं? तो ये सभी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब ये स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं से करते हैं। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपने भोजन का निर्माण स्वयं से करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? इनको स्वपोषी बोला गया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। पौधों के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? कि ये स्वपोषी होते हैं, सॉरी सर्वव्यापी होते हैं, मीन सभी जगहों पे पाए जाते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो एक से अधिक सेल से मिलके बनी होती है, यूकैरियोट्स होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो आप बताएंगे कि वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि जिसके कारण की पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं, जिसके कारण पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं, जो सनलाइट को ट्रैप करने में, सूर्य के प्रकाश को पकड़ने में पौधों की मदद करता है। अगर सूर्य के प्रकाश को पकड़ने में मदद कर रहा है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, पौधों की जो पूरी बॉडी है वो उतकों एवं अंगों से मिलके बनी होती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण
खुद से करते हैं, स्वयं से ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्वपोषी बोला जाता है। ठीक है, इन सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पादप जगत के पौधे हैं, उन सभी को 5 भागों में बांटा गया है, उन सभी को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उन 5 पार्ट के बारे में हम आपको आज नहीं कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, उन 5 पार्ट के बारे में आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो आप क्या करेंगे कि अपने फ्रेंडों को भी इसको शेयर करेंगे और प्लीज़ लाइक करेंगे। ठीक है, और हम यही चाह रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करके सीटेट में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी क्लास को डेली देखना पड़ेगा, और जल्द से जल्द आप सभी क्लासेस को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपका बिल्कुल नुकसान ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।